हेलो स्टूडेंट्स, आरती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड के एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। आगे की वीडियो में मैं यूनिट थर्ड और फोर्थ के एमसीक्यूज लाऊंगी, तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट की अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस युग्म की त्रिज्याएं समान हैं? तो किस युग्म की त्रिज्याएं समान हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या ठीक होगा? ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जेड आर 3+ और एच एफ 3+ की जो त्रिज्याएं हैं वो समान होती हैं। नेक्स्ट है, तृतीय संक्रमण श्रेणी में एल ए के बाद कौन सा तत्व आता है? एल ए होता है हमारा लेंथेनम, लेंथेनम के बाद हमारा कौन सा तत्व आता है? लेंथेनम के बाद हमारा एच एफ आता है, एच एफ होता है हमारा हैफनियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, जेड आर एच एफ एन बी टी ए एम ओ डब्ल्यू की त्रिज्याएं निम्न के कारण समान है, किसके लिए समान होती है इनकी त्रिज्याएं? लेंथेनाइड संकुचन के कारण, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, संक्रमण तत्वों का अवशोषण स्पेक्ट्रा निम्न के कारण होता है, तो अवशोषण स्पेक्ट्रा किसके कारण होता है? डीडी संक्रमण के कारण, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है? तो +1 किसकी ऑक्सीकरण संख्या है? HG की, मर्क्यूरी की। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है हमारा, LS युग्मन किसमें नहीं पाया जाता? तो LS युग्मन हमारा 3D श्रेणी में नहीं पाया जाता, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन सी धातु उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है? तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था हमारा क्या प्रदर्शित करता है? OS, ऑस्मियम, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक क्या है हमारा? MnO4-, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयनिक लक्षण प्रदर्शित करता है, आयनिक लक्षण हमारा क्या प्रदर्शित करता है? आयनिक लक्षण हमारा प्रदर्शित करता है निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहसंयोजक लक्षण प्रदर्शित करता है, सहसंयोजक लक्षण हमारा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, तृतीय तथा द्वितीय संक्रमण तत्वों में स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, तो जो द्वितीय और तृतीय में स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? उच्च होती है, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है हमारी 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की? 3.4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था किन तत्वों में स्थायी है? तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था हमारी 4D और 5D संक्रमण तत्वों में स्थायी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किन संक्रमण श्रेणियों के गुण समान होते हैं? तो 4D और 5D श्रेणियों के गुण समान होते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस संक्रमण श्रेणी के तत्व अधिक संकुल यौगिक बनाते हैं? तो हमारा 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व अधिक संकुल यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 4D तथा 5D श्रेणी के चुंबकीय आघूर्ण की गणना का सूत्र, तो चुंबकीय आघूर्ण की गणना का सूत्र क्या है 4D और 5D में? G√J J+1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, लेंथेनम किस संक्रमण श्रेणी का तत्व है? तो जो हमारा लेंथेनम है वो हमारा तृतीय संक्रमण श्रेणी का तत्व है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंथेनाइड संकुचन से प्रवाहित संक्रमण श्रेणी है, लेंथेनाइड संकुचन से कौन सी प्रवाहित होती है? तृतीय और चतुर्थ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट दोनों। नेक्स्ट है हमारा, प्लेटिनम किस संक्रमण श्रेणी का तत्व है? जो प्लेटिनम है वो हमारा तृतीय संक्रमण श्रेणी का तत्व है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण तत्वों के संकुल में सामान्य उपसंयोजन संख्या है, तो सामान्य उपसंयोजन संख्या क्या है? 4.6, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन प्लेटिनियम धातु वर्ग में आते हैं? तो प्लेटिनियम धातु वर्ग में आते हैं हमारे OS, IR और PT। नेक्स्ट है हमारा, द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, तो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +8, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, OS का साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ऑस्मियम OS जो है, हम ऑस्मियम को बोलते हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, लास्ट में क्या आता है, लास्ट में इसके आता है 5d6,6s2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, द्वितीय तथा तृतीय तत्वों में +2 तथा +3 अवस्थाएं होती हैं, ये हमारी अस्थायी अवस्था होती हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा, 4d तथा 5d श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं, चक्रण गति और कक्षक गति दोनों पर निर्भर करते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, Ti4+ आयन का रंग है, Ti4+ आयन का रंग हमारा क्या है, रंगहीन, क्योंकि इसमें जो युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, इसमें क्या उपस्थित होता है, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, Fe2+ का रंग है, Fe2+ का रंग हमारा क्या है, Fe2+ का रंग है हमारा हरा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सूत्र है, तो क्या सूत्र है हमारा, यह है Na2FeCN5NO, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो +3 हमारा स्केडियम प्रदर्शित करता है, SC, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PtC2H4Cl2+ मैं पीटी की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, हमें पीटी की ऑक्सीकरण संख्या क्या है इसमें हमारी, +2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में प्रतिचुंबकीय आयन है, तो प्रतिचुंबकीय आयन क्या होता है, जिसमें हमारा युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे नहीं पाए जाते, तो हमारा युग्मित इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं, Zn+2 में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हम कैसे निकालते हैं, आप इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देखना, जैसे Zn2, Zn का हमारा कितना होता है, Zn का हमारा होता है जिंक का 30, है ना, तो 30 के जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, 30 का जब हम करेंगे, तो कितना होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आता है हमारा 3d10 और 4s2 एंड में, तो हमें इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, +2, तो जब हमारे इसमें से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3d10, तो 3d10, d की जो कैपेसिटी होती है अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की, वो 10 होती है, तो इसमें हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है 10 में, क्योंकि हमारा युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, तो हमारा प्रतिचुंबकीय आयन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में अनचुंबकीय संकुल है, तो अनचुंबकीय संकुल क्या है हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सारे ही हमारे अनचुंबकीय संकुल हैं। नेक्स्ट है, डी ब्लॉक तत्व स्थित है, डी ब्लॉक तत्व हमारा एस और पी के तत्वों के मध्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में शून्य चुंबकीय आघूर्ण का आयन है, तो शून्य चुंबकीय आघूर्ण हमारा किस में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, Cu+ में है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है हमारा μ=nn+2, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, और जहाँ पर ये n है वो हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो हम देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया है युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो इसमें जो हमारा Cu+ में है हमारा एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 0, तो जब n की वैल्यू 0 होगी तो म्यू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, तो हमारे यहाँ चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण हमारा हो जाएगा 0, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न विन्यास स्थायी विन्यास है, तो कौन सा विन्यास हमारा स्थायी विन्यास है, तो ये हमारे सारी विन्यास स्थायी हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में क्षारीय ऑक्साइड है, तो क्षारीय ऑक्साइड क्या है हमारा, MnO, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रबलतम अम्लीय ऑक्साइड है, तो प्रबलतम अम्लीय ऑक्साइड क्या है हमारा, Mn2O7, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी समुदाय के तत्वों का अपूर्ण उपकोष है, तो हमारा डी समुदाय के तत्वों का अपूर्ण उपकोष क्या है,
एन माइनस वन डी, तो ऑप्शन क्या ठीक होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी समुदाय में ये आना चाहिए एन माइनस वन डी, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करना चाहिए। फिर है निम्न में 3d1 विन्यास किस आयन का है, तो 3d1 विन्यास हमारा किस आयन का है, 3d1 है हमारा ये हमारा है टाइटेनियम 3+ का, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा निम्न में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला आयन है, तो आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल के देखना, मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, Fe3+। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस तत्व द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित की जाती है, तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसमें किसकी होती है, हमारी मैंगनीज की, तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संकुल आयन ZnNH3+4 की ज्यामिति है, क्या है इसकी जो ज्यामिति, हमारी इसकी जो ज्यामिति है वो है वर्ग समतलीय, तो ऑप्शन क्या करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा संकुल TiH2O6 3+ का रंग है, तो क्या रंग है हमारा इसका, बैगनी, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा N-1d10NH0 किस संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो किस संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारा ये, तो ये हमारा PD का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा आयन अस्थाई है, तो आयन कौन सा अस्थाई है हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, MnO4-। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में 4D श्रेणी के तत्व हैं, तो 4D श्रेणी के तत्व क्या है हमारा, ये सारे हैं ZrNbMoTcRu। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमारा प्लेटिनियम धातु है, तो प्लेटिनियम कैसी धातु है हमारी, कम क्रियाशील, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा विन्यास संक्रमण तत्व का नहीं है, संक्रमण तत्व का हमारा ये इन सब में डी आ रहा है, और ऑप्शन डी में हमारा डी नहीं दे रखा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि संक्रमण तत्व में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी में प्रवेश करनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिशल लवण है, तो फिशल लवण हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, K3CONO2+6। नेक्स्ट है स्विट्जर अभिकर्मक है, स्विट्जर अभिकर्मक कौन सा है हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, CONH3SO4। नेक्स्ट है Mn2+ आयन के रंग का कारण है, Mn2+ आयन के रंग का कारण क्या है हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हमारा रंगहीन होगा, तो आयन के रंग का कारण क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा Mn3+ आयन का रंग है, Mn3+ आयन का रंग क्या होता है हमारा, नीला, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा Cr3+ आयन का रंग है, तो क्या होता है, हरा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से संक्रमण तत्व हैं, तो संक्रमण तत्व क्या है हमारे निम्न में से, तो संक्रमण तत्व है हमारा डी ब्लॉक के तत्व हमारे संक्रमण तत्व हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जलीय विलयन में रंगीन आयन है, तो जलीय विलयन में रंगीन आयन कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, V3+। इन सभी में इसमें हमारा युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और ये सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किसी आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे, Ti4+ में हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न ऑक्सीकरण संख्या के संक्रमण धातु आयन होते हैं, तो निम्न ऑक्सीकरण संख्या के जो संक्रमण धातु होते हैं वो हमारे क्षारीय होते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उच्च ऑक्सीकरण संख्या के संक्रमण धातु आयन होते हैं, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के जो हमारे संक्रमित धातु हैं वो अम्लीय होते हैं, और जो निम्न होते हैं निम्न ऑक्सीकरण संख्या होते हैं उनके हमारे क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट है हमारा CONH3+6 संकुल में CO की उपसह संयोजन संख्या कितनी है, तो उपसह संयोजन संख्या कितनी है हमारी 6, क्योंकि यहाँ इसकी संख्या कितनी है 6। नेक्स्ट है हमारा निम्न में किसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक हमारे चुंबकीय आघूर्ण है ये ए Fe2+, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 4।
नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय आयन है? तो प्रतिचुंबकीय आयन क्या होता है? जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है हमारे? Sc3+। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट। तो आपको पता है स्केडियम का कितना होता है जो परमाणु क्रमांक है? आप इन परमाणु क्रमांक को याद कर लेना, 21 है परमाणु क्रमांक। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? लास्ट में आएगा हमारा 21 स्केडियम का, जब वो करेंगे तो लास्ट में आएगा हमारा 3d1 और 4s2। तो जब हम इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे ये तीनों, तो इससे पहले 3p6, तो 6 पूरा भरा हुआ है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें? 0। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम चुंबकीय आगुण काला आयन है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, Cu2+। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuNH3 4 2+ में Cu2+ में उपसंयोजन संख्या कितनी है? तो अभी मैंने आपको बताया है 4 होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी संख्या भी 4 है इसलिए। नेक्स्ट है हमारा CuNH3 6 3+ की ज्यामिति है, तो क्या ज्यामिति है इसकी? वर्ग समतलीय, सॉरी इसकी CuNH3 6 3+ की ज्यामिति है हमारी अष्टफलीय, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा NiCN4 3- की ज्यामिति है, तो इसकी ज्यामिति क्या है हमारी? इसकी ज्यामिति है हमारी ऑप्शन ए इज करेक्ट, वर्ग समतलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण तत्वों की क्रियाशीलता का क्रम है? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता 5D की, फिर 4D, फिर 3D, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, 4D तथा 5D तत्वों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है? तो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था हमारी कितनी है? इसकी जो वो है 7.8, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, डी समुदाय के तत्वों में संकुलों में सामान्य उपसंयोजन संख्या है? तो सामान्य उपसंयोजन संख्या हमारी कितनी होती है? 4.6, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है? तो ये यहाँ पर लिख रहा है D5S2, तो ऑप्शन क्या होगा? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस विन्यास का अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में अधिक है? 3D5 में, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ कितनी होती है? 5। नेक्स्ट है, किस विन्यास का चुंबकीय आगुण न्यूनतम है? तो किस विन्यास का चुंबकीय आगुण हमारा न्यूनतम है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3D2, क्योंकि यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2, तो ये हमारा न्यूनतम है। नेक्स्ट है हमारा, किस विन्यास इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, किस विन्यास का चुंबकीय आगुण अधिक है? तो किस विन्यास का चुंबकीय आगुण अधिक है? चुंबकीय आगुण हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3D5 का, क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है, तो जब √5 और 5+2 करेंगे तो सबसे अधिकतम यही आएगा चुंबकीय आगुण। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में अनचुंबकीय आगुण न्यूनतम है? आप निकाल के देख लेना, इनको एक जैसे हैं ये सारे, तो किस में अधिकतम है? ऑप्शन न्यूनतम है Cu2+ में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, संक्रमण धातु संकुल का रंग निर्भर करता है? तो हमारा किस पर निर्भर करता है? हमारा ये जो संक्रमण धातु का तत्व है वो हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे, निम्न में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का आयन है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का आयन क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है यहाँ। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में अनचुंबकीय संकुल है? तो अनचुंबकीय संकुल ये भी ऑप्शन पहले आ चुका है, सभी हैं। नेक्स्ट है, CuNH3 6 3- संकुल में CO की उपसंयोजन संख्या कितनी है हमारी? 6, ये भी पहले आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे, CuNH3 4 2+ CU में Cu2+ की उपसंयोजन संख्या, तो कितनी है इसमें उपसंयोजन संख्या हमारी? 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, NiCN3+2- की ज्यामिति है? तो क्या ज्यामिति है हमारी? वर्ग समतलीय, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ZnNH3 4 2+ की ज्यामिति है? तो क्या ज्यामिति है हमारी इसकी?
इसकी यह समचतुष्फलीय है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Ti H2O6 3+ का रंग है, तो इसका रंग क्या है हमारा, इसका हमारा रंग है बैंगनी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है Mn7+ का रंग का कारण है, तो रंग का कारण हमारा क्या है, इसमें हमारा रंग का कारण है नाभिकीय आवेश। नेक्स्ट है Mn7+ का रंग है, तो Mn7+ का रंग कितना है, पर्पल, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है चुंबकीय आघूर्ण न्यूनतम है, तो चुंबकीय आघूर्ण हमारा किसमें न्यूनतम है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें एक मित्र इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में अनचुंबकीय आयन है, तो अनचुंबकीय आयन को क्या है हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, Cu2+। नेक्स्ट है हमारा जलीय विलयन में रंगीन आयन है, तो रंगीन आयन क्या है हमारा, V3+, क्योंकि ये सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन के हैं और ये सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन के हैं, बस यही हमारा युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा क्या ठीक होगा, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा फिशल लवण है, तो फिशल लवण हमारा कौन सा है, फिशल लवण है हमारा K3CONO26, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्विट्जर अभिकर्मक है, ये क्वेश्चन में हमारे पहले आ चुके हैं, तो स्विट्जर अभिकर्मक है हमारा CuNH3 4SO4, ये भी आया हमारे सोडियम नाइट्रोपरोक्साइड का सूत्र, तो आप ही बताइए इसका सोडियम नाइट्रोपरोक्साइड का सूत्र क्या है, मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, Na2FeCN5NO। आप वीडियो पॉज कर करके इनके आंसर खुद से करने की सॉल्व करा करो, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। Cu3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो Cu3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है हमारी, 3, तो ऑप्शन बी करेक्ट। स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइटेनियम अपने यौगिक में 1+7(3Bm) चुंबकीय आघूर्ण दर्शाता है, यौगिक में टाइटेनियम की ऑक्सीजन अवस्था है, तो ऑक्सीजन अवस्था कितनी हमारी, हमारी +3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से किस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे किस में उपस्थित हैं अधिकतम, Fe2+ में, यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। नेक्स्ट है हमारा Pt किस संक्रमण श्रेणी का तत्व है, जो हमारा प्लेटिनियम है वो हमारा तृतीय संक्रमण श्रेणी का तत्व है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है संक्रमण तत्वों के संकुल में समान उपसह संयोजन संख्या है, तो समान उपसह संयोजन संख्या क्या है संक्रमण श्रेणी के तत्वों की, 4.6, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स अब हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा द्विक लवण नहीं है, तो द्विक लवण हमारा कौन सा नहीं है, द्विक लवण हमारा मोहर लवण वो सॉरी कार्नेलाइट नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य कक्षक संकुल हैं, तो बाह्य कक्षक संकुल किसमें है हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है बाह्य संकुल में। फिर हमारा क्वेश्चन है हमारा Mn2CO10 में Mn का En बताना है, तो En कैसे निकालते हैं आप YouTube पे वीडियो देख लेना, मैं सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँगी तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, जो En का फॉर्मूला होता है वो होता है Z-X+2NL, तो ये हमारा En निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो हमारा Z होता है वो हमारा परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, और ठीक है, और यहाँ पर जो X होता है वो ऑक्सीकरण संख्या होती है, जो N होता है वो लीजेंड की संख्या होती है, जैसे यहाँ CN, यहाँ पर लीजेंड की संख्या 4 है, इसलिए लीजेंड की संख्या होती है, और L इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन युग्म का मान 1 ही आता है, तो आप इसकी वीडियो YouTube पे देख लेना, आपको मिल जाएंगी,
तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो इसका जब हम EM निकालेंगे इस फॉर्मूला में रखने के बाद, तो हमारा इसमें हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 86। नेक्स्ट है हमारा NiCO4 की ज्यामिति है, तो NiCO4 की हमारी ज्यामिति क्या है, हमारी ज्यामिति है समचतुष्फलीय, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PtNH3 2Cl2 के ज्यामिति समावयवी होते हैं, तो ज्यामिति समावयवी कितने होते हैं इसके, दो, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा CoEn3+ के प्रकाश समावयवियों की संख्या, तो इसमें प्रकाश समावयवी कितने होते हैं, दो, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा PtNH3 5Cl3+ में क्या बताना है हमें, इसमें PT का EN बताना है, तो अभी मैंने आपको EN निकालने का फॉर्मूला बताया था, तो सिंपल है, आप देख लेना एक बार। तो इसमें Z-X+2NL फॉर्मूला रखेंगे, तो यहाँ पर जब हम फॉर्मूला रखेंगे तो प्लेटेनियम Z की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 78, और हमारी ऑक्सीकट संख्या निकाल के देख लेना आप कितनी ऑक्सीकट संख्या आ रही है इसकी, और लीजेंड की संख्या हमारी यहाँ पर कितनी दे रखी है, 5, और फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे, तो आप निकाल के देखना कितना आएगा। तो इसका जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा NiNH3+2 में Ni का EN, तो इसका EN कितना निकलेगा हमारा, 38, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनको EN निकालना आप सीख लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में 2-3 MCQ इसके ऊपर पूछे जाने चाहिए, तो आप EN निकालना आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CoEn2Cl2+ एक संकुल है, संकुल कैसा संकुल है हमारा, ये हमारा कीलेट संकुल है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकुलों को कहते हैं, संकुलों को क्या कहते हैं, संकुलों को हम कहते हैं वर्नल संकुल, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संक्रमण धातु की संयोजकता होती है, तो हमारी संक्रमण धातु की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, हमारी संक्रमण धातु की संयोजकता वो हमारी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होती हैं, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है कॉपर सेकंड का नीला संकुल है, तो कॉपर सेकंड का नीला संकुल हमारा क्या है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CrCO6 में Cr का संकरण का प्रकार है, तो Cr का संक्रमण का क्या प्रकार है, D2SP3, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CO6+ में CO का EN, तो इसमें हमारा EN बताना है कितना निकलेगा, EN वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, लगाकर देखना है अप्लाई करके, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट, 36। नेक्स्ट है प्लेटिनियम NH3 4+2 की ज्यामिति है, तो कौन सी ज्यामिति है हमारी, वृत्त समतलीय, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CONH3 5NO2+ तथा CONH3 5ONO+ में निम्न समावयवता है, तो इनमें हमारी कौन सी समावयवता है, इनमें हमारी लिंकेज समावयवता है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर ये इक्वल दे रखा है NH3 5 NH3 5। नेक्स्ट है हमारे और ये मतलब इसको ऐसे करके लिख दिया है, जैसे NO2 को NO लिख दिया है, CO को CNO CO। नेक्स्ट है हमारा NiCO4 में Ni की प्राथमिक संयोजकता है, तो Ni की जो हमारी संयोजकता है वो कितनी है हमारी, 0, तो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा FeCO5 में Fe की उपसह संयोजन संख्या है, तो उपसह संयोजन संख्या कितनी है Fe की उपसह संयोजन संख्या है 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C4Fe6N6 में Fe का EAN, तो आंसर कितना निकलेगा इसका, 36। आप निकाल कर जरूर देखें, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज ज़्यादातर ENA पर बेस्ड है, तो इनको आप बिल्कुल ना छोड़ कर जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CONH3 4SO4 में CU का EAN है, तो CU का EAN हमारा कितना निकलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लेटिनियम NH3 2Cl2 संकुल में निम्न
संकरण होता है, तो कौन सा संकरण होता है हमारा, हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, DSP2 संकरण होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा CONS3 6 CL3 में संकुल निम्न संक्रमण से होता है, तो इसमें कौन सा संक्रमण होता है हमारा, D2SP3 का संकरण होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा Ag+ ion का AgNH3 2 Cl में उपसंयोजन संख्या है, तो उपसंयोजन संख्या क्या है हमारी Ag+ ion की, तो इसमें हमारा इसकी कितनी निकलेगी, 2। नेक्स्ट है हमारा NIDMG2 संकुल है, तो ये कौन सा संकुल है हमारा, आंतरिक लवण, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा CONH3 5 BrSO4 तथा CONH3 5 SO4 Br में समावयवता है, तो इसमें कौन सी समावयवता है हमारी, आयन की समावयवता है, क्योंकि वही आयन यहाँ दे रखे हैं और वही यहाँ दे रखे हैं, बस उनका क्रम चेंज हो गया है, तो आयन समावयवता है। नेक्स्ट है हमारा CONH3 4 SO4 में CU का EN। स्टूडेंट्स बार बार मैं कह रही हूँ आप EN देखना ना भूलें, क्योंकि EN मैंने देखा है इस यूनिट में EN ही ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आप इनको जरूर करें। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 35। स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लेटिनियम NH3Cl2 संकुल में निम्न संक्रमण होता है, तो हमारा कौन सा संक्रमण होता है इसमें, DSP2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा CONH3 6 Cl3 में संकुल निम्न संक्रमण है, तो इसमें कौन सा है हमारा, D2SP3, ये मैं अभी आपको पहले भी करा चुकी हूँ दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा CONH3 5 NO2+ तथा CONH3 5 NO में निम्न समावयवता है, तो कौन सी समावयवता है हमारी, ये वाला भी पहले आ चुका है, लिंकेज समावयवता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा PtNH3 4 2+ की ज्यामिति समावयवता है, तो कौन सी ज्यामिति है हमारी, हमारी इसकी ज्यामिति है ऑप्शन ए इज करेक्ट, वर्ग समतलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CONH2Cl2 एक संकुल है, कौन सा कैसा संकुल है हमारा ये, तो कीलेट संकुल है, ये पहले भी आ चुके हैं ये ऑप्शन। PtNH3 5 Cl3 में PT का ENA कितना होगा, ENA हमारा 86, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स मैंने यूनिट फर्स्ट और सेकंड के आपको इम्पोर्टेंट MCQs करा दिए हैं, और आप मेरी आगे वाली वीडियो थर्ड और फोर्थ पार्ट की देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।